हाँ सर। ओके स्टार्टेड ना। ओके सर ओके। अच्छा चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ का क्लास, माने कंपनी लॉ, कंपनी लॉ या फिर आप इसको और एक नाम से बोलो कॉरपोरेट लॉ। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम लोग अभी एक स्पेशल टॉपिक में हैं। हर टॉपिक स्पेशल होते हैं। अभी इसमें आप अगर मैं अगर बोलूँ कि सर ये स्पेशल है, दूसरा चैप्टर स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी चैप्टर मिलके ही आपका लॉ को बनाता है ना सर। तो कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन टूडेज वर्ल्ड, स्पेशली बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। इंडिया का जो करेंट बिजनेस सिनारियो है जो कि दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। यस सर, ये पॉजिटिव एरिया मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली। जिस तरह से आप अगर स्टॉक मार्केट का रिसेंट ट्रेंड भी देखे होंगे तो भी उसके ऊपर आप सोच सकते हो कि अचानक से ट्रेंड बदलता नहीं है। तो ये जो ट्रेंड अभी हुआ है ना, जैसे अगर आप निफ्टी देखोगे करीब 19,000 ऊपर चला गया सर, मतलब लास्ट 1 मंथ के अंदर, लास्ट 1 महीने में निफ्टी 19,000 क्रॉस कर गया। सेंसेक्स काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गया? सर स्टॉक मार्केट के बिना ये चैप्टर का क्या काम है बोलो? मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर लॉ का चैप्टर है ये एक्चुअली सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बात करता है, ये स्टॉक मार्केट के साथ साथ कंप्लीट, स्टॉक मार्केट तो कैपिटल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है सर, है ना? ये कंप्लीटली कैपिटल मार्केट के बारे में बात करता है, माने इंडियन कैपिटल मार्केट एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर एक पार्ट होता है स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ठीक है? सो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जो है ये उसी बिग पिक्चर का एक इनिशियल पार्ट है, छोटा बात नहीं है। जो बड़ा पिक्चर देखने को मिलता है उस बड़ा पिक्चर का एक इनिशियल पार्ट है ये पर्टिकुलर एरिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि ये चैप्टर कोई मामूली चैप्टर है नहीं, इसीलिए मैं इसको इतना स्पेशल माना, ठीक है? कि पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम, इंडियन मार्केट, एवरीथिंग सब कुछ डिपेंड करता है इस चैप्टर के ऊपर। ऐसे तो डेली स्टॉक मार्केट क्लास में स्टॉक रिलेटेड डिस्कशंस होता है, मार्केट एनालिसिस रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, बट अगर मैं आपको जस्ट एक हल्का आइडिया दे रहा हूँ, जैसे निफ्टी, ठीक है? अब निफ्टी करेंटली 19,331, ठीक है? अगर आप लास्ट 1 मंथ में निफ्टी का रैली देखोगे तो निफ्टी कितना भयंकर सा रैली हुआ। अब आप बोलोगे सर इतना रैली क्यों हुआ? सर इतना रैली होने के पीछे बहुत सारा रीजन है। मेन बात है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस मार्केट का डेवलप हो जाना, सब कुछ मायने रखता है। अब इंडियन मार्केट में बाहर के लोगों ने पैसा डाला, FII का जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लास्ट कुछ महीनों में बढ़ा है, और वही रीजन है स्टॉक मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। अब आप बोलोगे सर इसके साथ प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का क्या कनेक्शन है ना? आपके मन में सवाल तो आएगा सर, बिल्कुल आएगा, सवाल आना भी चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर आप ना जबरदस्ती स्टॉक मार्केट को खींच के लाते हो। नहीं सर, मेरा कोई इच्छा नहीं होता है, सारा दिन सुबह का जो क्लासेस होते हैं ना, दिन में 2 से 4 घंटा सिर्फ स्टॉक मार्केट में बात ही करते थे, पागल हो जाते हैं, लेकिन क्या करें सर, है ना? अब ये जो लॉ है ना, ये लॉ कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कैपिटल मार्केट एंड एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरा इफेक्ट करता है। सो ये जो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर क्या है, क्या बताता है और किस लिए आया है। तो मैं जो थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, 2 मिनट लूंगा पक्का पक्का। बेसिकली ये जो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 23 से लेके 42 का एरिया कवर करता है। सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 का एरिया कवर करता है सेक्शन वाइज। अब अनदर बिग क्वेश्चन इज सर, ये सेक्शन 23 से लेके जो 42 का एरिया है ये मेनली किस चीज में बात करता है? सर ये मेनली प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में बात करता है। अब आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था सर कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, और सिर्फ मैं बताया नहीं था, मैं दिखाया भी था। क्या सर याद है कि नहीं? दिखाया था कि नहीं दिखाया था? लास्ट लास्ट क्लास फ्राइडे को नहीं सर, सैटरडे संडे को हुआ था, बिकॉज फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाया था। आपको याद है सेनको गोल्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली जीता जागता कॉन्सेप्ट है, ये अभी लाइव चल रहा है, सेनको गोल्ड अभी लिस्टिंग प्रोसेस में है।
मोने आचे याद है सर? हाँ सर, हेलो, ठीक है। ये सेनको गोल्ड का क्या था सर? ये आरएचपी था। आरएचपी क्या होता है सर? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 27 जून को ये सेबी के पास आया था, और उसके बाद ये पब्लिक के लिए इशू का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए ये आ चुका है। तो ऑलरेडी इसका जो प्रोसेस एरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मैंने एप्लीकेशन डालने का टाइम खत्म हो चुका है। तो जिसको भी अप्लाई करना था कर दिया, अब ये अलॉटमेंट स्टेज में आ गया। ठीक है, मतलब अभी प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद 2-3 दिनों में अलॉटमेंट भी हो जाएगा, और फिर स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन भी हो जाएगा। तो सर ये था आरएचपी ड्राफ्ट, मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। आप लोगों को याद होगा सर कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताया था कि सेक्शन 23 से लेके 26, 29, 31, 32, जिसमें से 32 जो है वो आरएचपी में बात करता है ना सर? प्रॉस्पेक्टस पे बात करता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पे। 25 इज देयर, 28 इज देयर, 27, 40, ठीक है। अलॉटमेंट को जो होगा जो उसके बारे में 39 में बोला हुआ है, आगे चर्चा करेंगे सर, है ना, कि सिक्योरिटी अलॉटमेंट का क्या प्रोसीड्यूर है, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है तो उसका क्या चक्कर है। 39 पेनल्टीज के बारे में, 34, 35, 36, 37 एंड 447 फ्रॉड का केस भी लग सकता है, और अगर कोई कंपनी किसी के साथ जाली करता है, किसी के इन्वेस्टर के साथ, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर भरोसा करके कंपनी पे पैसा लगाएगा। अब देखो बिजनेस में अप डाउन हो जाए वो मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इज अ डिफरेंट थिंग। हेलो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो होता है ना वो अलग बात है, आप लोग बात को समझिएगा। एक होता है लोगों के साथ जानबूझ के गलत करना, माने फ्रॉड के मेंटेलिटी से फ्रॉड करना अलग चीज होता है, और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में अगर आपका शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड परफॉर्म नहीं कर पाता है, ये बिजनेस का रिस्क है। ठीक है, कि कोई बिजनेस चल गया, कोई बिजनेस नहीं चला, इंटरनेशनल इकोनॉमी गिर गया, ऐसे होता है ना। 2008 में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तब आप लोग छोटे थे, उतना शायद याद नहीं होगा या पता नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग काफी छोटे थे, तो हम लोग जस्ट उस टाइम पे ना 2008-9 का जो टाइम है वो बेसिकली स्कूल खत्म होने को है, ऐसा टाइम है हम लोगों के टाइम पे, तो स्कूल जस्ट कंप्लीट हुआ है, ऐसा सिचुएशन है। अभी कॉलेज में हम लोग दाखिला करेंगे, तो हम लोग को वो प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग सर बाद में जब कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना था। तो ऑन दैट टाइम जो लोग ग्रेजुएशन हो कंप्लीट कर रहा था, मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था इन एनी फील्ड, ठीक है, स्पेशली अगर मैं इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट्स में बात करूं, इसमें बहुत भयंकर सिचुएशन हुआ था। ठीक है, इवन कनेक्टेड जॉब्स में, बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था दुनिया भर में, और उसका मेन रीजन था यूएसए में इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ था, और पूरा फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं वो पूरा फॉलोआउट हो गया था। अब सर ऐसे सिचुएशंस में कंपनीज को पढ़ना पड़ता है, मतलब कंपनीज कई बार मार्केट इस तरह का सिचुएशंस देखता है, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। जब इकोनॉमिक खराब होता है उसमें कंपनी का बिजनेस खराब होता है, उससे बाहर भी निकलते हैं समय के साथ साथ, लेकिन अगर जानबूझ के कोई कंपनी इन्वेस्टर को धोखा देना और वो चीज अगर प्रूव हो जाए तब तो सर एकदम टाई टाई फिश। ठीक है, तो वो पेनल्टी के अंदर आ जाता है, मैं आगे चर्चा करूंगा आपके साथ। और रही प्राइवेट प्लेसमेंट, जो सेक्शन 42 है, दैट इज सेक्शन 42 क्या है सर? जब कोई कंपनी पब्लिकली पैसा इशू नहीं करेगा, ठीक है, मैंने मार्केट से पैसा नहीं लेगा, ठीक है, मार्केट में शेयर इशू नहीं करेगा, पब्लिकली नहीं करेगा, प्राइवेटली करेगा, बस कुछ गिने चुने लोगों के अंदर, या फिर प्रेफरेंस बेसिस में कि भाई प्राइवेटली करेंगे तो फिर जो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज होते हैं ना वो कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक कंपनी भी कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी तो कर सकते ही हैं, एज वेल एज पब्लिक कंपनी भी कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो ये मौका उनको है। बाकी सबसे पॉपुलर आप लोगों को पता है आईपीओ इशू के बारे में, है ना, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है आईपीओ इशू होता है ना। आईपीओ के बाद भी अगर किसी को पैसा उठाना हो तो एफपीओ इशू करता है, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। कोई कंपनी को जैसे शेयर से पैसा उठाना हो तो आईपीओ एफपीओ, अगर किसी को बॉन्ड से पैसा उठाना हो तो उसके लिए भी प्रॉस्पेक्टस होता है। तो मैं आज आपको यही सब बात करूंगा, यही सब बातों में मैं आज आपको बिजी करूंगा सर, तो प्लीज आप मेरे साथ साथ चलो, फोकस एकदम बना के रखो। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन क्लियरली नजर आ रहा होगा, बोलो सर। हाँ या ना,
कुछ तो कहो, चुप ना रहो, बोलो सर, कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ सर, यस सर। तो जैसे कि आप लोगों में क्या बता रहा सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये हमारा एक आप लोगों में कल से मतलब लास्ट क्लास से बता रहा हूँ, और एक प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको आइडिया दिया सर, सेल प्रोस्पेक्टस। ये जो दो प्रोस्पेक्टस है ना, ये दोनों प्रोस्पेक्टस बड़ा पॉपुलर प्रोस्पेक्टस है। जब भी कंपनी को पैसा इशू करना होता है ना, मैंने मार्केट से कैपिटल रेज करना होता है, आप थोड़ा फाइनेंशियली मैटर को समझने का कोशिश करो। जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं, अभी आप लोग जो लोग ग्रुप टू में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ग्रुप टू का क्लास करते हैं, CA ग्रुप टू, CMA ग्रुप टू, एज वेल एज CS का ग्रुप टू, ठीक है, तो सभी का ना फाइनेंस का पेपर होता है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो वहां पर एक चैप्टर आता है सर, चैप्टर बोलो या फिर टॉपिक बोलो, उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हर बिजनेस का, हर एक कंपनी मार्केट से कैपिटल तो रेज करता है, बट कैपिटल का ना अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके उसका नाम होता है, आप लोगों को पता है वो चीज़। जैसे आप लोग अकाउंट्स में भी ये सब करते हो, तो फिर मैं आप लोगों को क्यों फालतू में घुमा रहा हूँ। एक इक्विटी होता है ना, इक्विटी क्या होता है, शेयर है ना, इक्विटी जो होते हैं उनको बेसिकली कंपनी का क्या कहा जाता है, ट्रू ओनर, ठीक है, माने अगर कंपनी किसी कारण से उनको पैसा पेमेंट करने में देरी करेगा या फिर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होएगा, तो फिर कंपनी उनको शेयर का हिस्सा नहीं दे सकता है, माने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे सकता, ट्रू ओनर है ना, कैरेक्टर ही ट्रू ओनर वाला है। और एक होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये भी कंपनी इशू करता है, ठीक है, बड़ा रेयर है, बट ये भी करता है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करता है, तो आपको ना ऐसे प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नजर आएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक चीज होता है सर शेयर, जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं ज्यादा पॉपुलरली, और एक चीज होता है सर बॉन्ड, क्या होता है सर, बॉन्ड या फिर डिवेंचर। तो जब कंपनी बॉन्ड और डिवेंचर इशू करता है ना, तब भी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब करेंटली मार्केट में जो चलन है, उसमें शेयर इशू करने के टाइम पे कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू कर लेता है, स्पेशली इक्विटी शेयर, IPO वगैरह में, FPO वगैरह में। और जब कंपनी बॉन्ड या डिवेंचर इशू करता है, तब कंपनी सेल प्रोस्पेक्टस इशू करता है। तो मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में देख लिया हो गया, आपको मैं प्रैक्टिकली कोशिश करता हूँ, मैं आपको हमेशा बोला कि मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को हर चीज को प्रैक्टिकली दिखाने का, कि कहाँ होता है, कैसे होता है। एक इच्छा, एक एक सुविधा क्या हो गया सर, ये आजकल हर काम ऑनलाइन होता है, ठीक है, इंटरनेट का जमाने का ये फायदा है, आप लोग भी उठाओ सर, एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन। अब जब क्योंकि सरकार भी चाहते हैं कि हर चीज ऑनलाइन हो जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे, कंपनीज के लिए, सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स में, ये हर चीज आपको ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोगों को ना थोड़ा सीखने का इच्छा होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा ना मेरे को पता नहीं चला, पता तभी नहीं चलता है जब वो ढूंढता नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज सीखा जा सकता है, इंटरनेट का ये फायदा सबको उठाना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग जब इंटरनेट को हाथ में लेते हैं, गलत काम में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सही काम में कम इस्तेमाल करते हैं, कम बने बहुत ही कम, ठीक है, जब समय बीत जाता है फिर लगता है यार यार अच्छे काम पे लगा देते हैं, बेकार के काम पे समय बर्बाद हो गया। आजकल तो सर ये मेरा भी कभी कभी हो जाता है सर, फेसबुक में या फिर यूट्यूब में जो शॉर्ट्स देखते देखते मैं देख रहा था, कभी कभी अगर जैसे जब थोड़ा सा तबीयत वगैरह खराब होता है, तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तब मैं देखा कि ये शॉर्ट देखते देखते 1-1.5 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, समझ में नहीं आता भाई कहाँ से टाइम निकल गया। चलो बैड हैबिट्स है सर, ये सब हैबिट से बचना चाहिए। चलो सर, सर आप गलती करते हो तो हम लोग गलती करने से दोष है सर, कोई भी गलती करे, गलती तो गलती होता है ना। अच्छा सर ठीक है, तो अब आपको मैं ना लेके चलूंगा सर, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलता है, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, आप लोग जब मर्जी ढूंढ के देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है, मैंने कौन सा कंपनी मार्केट में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा या मार्केट में डिवेंचर इशू कर रहा है कि बॉन्ड इशू कर रहा है, कितना वैल्यूएशन का कर रहा है, प्रोस्पेक्टस में हर पता चीज पता चल जाता है। अच्छा प्रोस्पेक्टस के बारे में और एक चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, है ना। प्रोस्पेक्टस का माने, प्रोस्पेक्टस का माने ये होता है कि वो नोटिस को भी प्रोस्पेक्टस कहा जा सकता है, सर्कुलर जो कंपनी बाद में अगर इशू करे, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी इशू करता है, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट
जिसको कंपनी प्रॉस्पेक्टस का नाम देगा वो प्रॉस्पेक्टस कहलाएगा। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस क्या है? जहां पर बेसिकली कंपनी के बारे में डिटेल्स मिलता है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ। सर आपको विजिट करना चाहिए सेबी के साइड में। कहाँ साइड विजिट करना चाहिए सर? हेलो, सेबी के साइड में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि जितना भी कंपनीज मार्केट में अपना कैपिटल रेज करने के लिए आते हैं ना, उनको सेबी के रास्ते से ही आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये इसके बारे में आप लोगों को लॉ भी पढ़ना पड़ेगा सर। ये इसका जो लॉ है ये 1992 में आया है, और ये जो सिक्योरिटी लॉ है वो 1956 का है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ आप लोगों को आज नहीं तो कल पढ़ना है। सीएस वाले तो सर एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सीए कर रहे हैं या सीएमए वाले बच्चे हैं ना, उनको फाइनल में करना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई बात नहीं सर, सेबी लॉ के साथ भी आप लोग रूबरू हो जाओगे। रूबरू समझते हो ना, माने कनेक्शन बन जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को ये लॉ भी जानना है। अच्छा, तो कंपनी लॉ एंड सेबी ये सब हैंड टू हैंड काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, कंपनी को देखने के लिए ही सेबी को बनाया गया। सेबी तो एक जमाने में सिर्फ वॉच डॉग हुआ करता था, आज सेबी ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, पावर बहुत है इसके पास। ठीक है, इसके पास गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पावर भी दिया है, और पावर के ऊपर ये काफी अच्छा काम कर रहा है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कम कर रहा है, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है, पब्लिक को भरोसा ज्यादा हो रहा है कि भाई कोई बात नहीं, हम पैसा लगाए सेबी है। और मार्केट में पैसा होगा तो कैपिटल मार्केट में आएगा, मार्केट में कैपिटल आएगा तो फिर कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सिंपल बात है सर, कंपनी के पास कैपिटल आएगा तो कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो गरीबी कम होगा या फिर लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अल्टीमेटली देश तरक्की करेगा। सिंपल बात है ना? तो गरीबी से इसका कनेक्शन है। अब आप बोलोगे सर कहाँ का चीज कहाँ जोड़ लेते हो, आप लॉ पढ़ा रहे हो कि गरीबी मिटा रहे हो? आपका इच्छा है सर, आप जैसे समझो। आप देखो सर फाइलिंग्स में आ गए सर, हम लोग कहाँ आ गए? फाइलिंग्स में। अब आप फाइलिंग्स में ध्यान दो। मैं यहाँ पर फाइलिंग्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर चेक करना है कि मार्केट में कौन सा कंपनी क्या प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है। अच्छा, मैं आपको दोनों प्रॉस्पेक्टस पर, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दिखा दिया था, अभी मैं आपको डेप्थ ऑफर डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लो ड्राफ्ट फाइल्ड विथ सेबी का देख लेते हैं सर, आरओसी का भी देख सकते हैं, एक ही बात है। ये देखो 20 जून 2023 को, या फिर जून 30 2023 को, ठीक है, या फिर जून 20 2023 को। अब लुक एट सर, दिखाई दे रहा है क्या? इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस, नाभी फिनसर्व लिमिटेड। ये नाभी किसका कंपनी है पता है आप लोगों को? जो बंदा ने फ्लिपकार्ट बनाया था ना। यस सर बोलो, किसी का कोई आवाज आया, कुछ कहना चाहते हो क्या? यस सनोन, नील, कुछ पूछ रहे हो क्या? बोलो सर। नो अच्छा ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहे ना सर, जैसे यहाँ पर क्या है, इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस, लेकिन इधर क्या लिखा है, ड्राफ्ट सेल प्रॉस्पेक्टस। दिखाई दिया सर, ड्राफ्ट सेल प्रॉस्पेक्टस। सिमिलरली नाभी का भी मिलेगा, सिमली इंडेल मनी लिमिटेड बोल के कंपनी, उसका मिल जाएगा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का मिल जाएगा। चलो मैं कोई भी एक कंपनी का आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपका अगर रिसर्च करने का मन हो, खबर रखने का इच्छा हो, आपको और पता लग जाएगा उसमें क्या। मैं तो आपको सोर्स बता दिया है ना, आपको दोनों सोर्स मिल जाएगा सर। अगर आप डेप्थ ऑफर डॉक्यूमेंट देखना चाहोगे, मैंने सेल प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लो और उसके बारे में जान लो, या फिर आप खुद पैसा भी लगा सकते हो क्योंकि ये सब पब्लिक इशू है। अच्छा, अगर आपको शेयर में अप्लाई करना है तो आप देख लोगे भाई कौन सा कंपनी मार्केट में आ रहा है, कौन सा कंपनी का सेबी के पास एप्लीकेशन डाला है स्टॉक मार्केट लिस्टेशन के लिए। ठीक है, ये देखो सर इतना सारा कंपनी लिस्टेड कर चुका है, जुलाई 6 मतलब कल एक कंपनी ने डाला, कल ही एक कंपनी ने डाला, उसके बाद आप देख सकते हो पूरा एकदम आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्लिक करोगे ना सब आरएचपी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, आरएचपी। ये देखो क्या क्या है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है सब मिल जाएगा आपको। अगर आप डेट वाइज चेक करोगे वो भी मिल जाएगा कि इस डेट से इस डेट के अंदर क्या कंपनी आया है, क्या डिपार्टमेंट है, सब कुछ आ जाएगा। तो अब चलो मैं आपको डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, सेल प्रॉस्पेक्टस लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस लिखा है। आप लोगों को फर्क दिखाई दे रहा है, सेल
गोल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू से आईपीओ इशू करने के लिए आया है, ठीक है? अगर एफपीओ भी होता तो भी रेड हेरिंग ही होता, लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस यहां पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं डाला सर, क्या डाला? सेल प्रोस्पेक्टस। सर बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर ओके सर, अब इसमें आप चेक करोगे कि ये सेल प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी एक्चुअली क्या चाहता है। सर कंपनी को पैसा चाहिए, लेकिन इस बार कंपनी को लोन चाहिए। लोन मैंने बॉन्ड है ये। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, आपको दिख जाएगा। कहाँ गया? पब्लिक इशू बाई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इशू सिक्योर्ड रिडीमेबल, क्या लिखा है? देखो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो ये सब बातें। सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड माने पब्लिक को कंपनी कोई ना कोई एसेट्स चार्ज कर देगा। माने सिक्योर्ड माने क्या है कि कंपनी जितना अमाउंट लोन इशू करेगा ना, जितना कंपनी जितना लोन आपसे इशू करके आपसे लेगा, बदले में उतने वैल्यूएशंस का कंपनी के किसी एसेट्स पे आपका लोन को चार्ज कर देगा। यानी अगर बाई चांस कंपनी आपको पेमेंट करने में सक्षम ना रहे फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में अगर बाय चांस कंपनी किसी कारण से फेलियर हो जाए, तो कंपनी अपना एसेट्स, जो पर्टिकुलर एसेट्स सेम वैल्यूएशंस का आपके साथ लोन के अमाउंट के साथ जोड़ के रखा था, उसके बेच के आपको पैसा पेमेंट कर देगा, या फिर एसेट आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड है, ठीक है। रिडीमेबल है, रिडीमेबल माने जो बाद में कंपनी आपको रिडेम्पशन करके दे देगा। माने बेसिकली ये मतलब कुछ होते हैं सर इरिडीमेबल, माने लाइफ टाइम चलता है, लेकिन नहीं, आजकल कंपनी ये सब इरिडीमेबल वाला कॉन्सेप्ट से भी बंद कर दिया है, सब आपको रिडीमेबल वाला ही दिखेगा। नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल क्यों बोला? नॉन कन्वर्टेबल इसलिए बोला ताकि इसको शेयर में कन्वर्ट ना कर किया जाए, ठीक है? तो ये सिर्फ लोन है तो लोन में ही रहेगा, ये शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इक्विटी में कन्वर्जन नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए बोला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसको प्यार से एनसीडी भी कहते हैं, जिसका फेस वैल्यू है 1,000 टका। ये सब आप लोग अकाउंट्स में किए हो, है ना? ये सब लैंग्वेज आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, और मैं आपको रियल में दिखा रहा हूं कि कंपनी कैसे आते हैं। कितना करोड़ चाहिए कंपनी को, देख लो, इंडिया बुल हाउसिंग को 2,000 करोड़ चाहिए, 2,000 करोड़ का कंपनी को चाहिए। अब ये एक बार में नहीं करेगा, ट्रांचेस में करेगा, ठीक है? माने अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करेगा, तो उसके ऊपर कंपनी बता देगा कि कब कितना अमाउंट का करेगा। तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो मोटा मोटी 1,000 रुपीज करके, ठीक है, पर लॉट में कुछ समथिंग एटलीस्ट 1 लाख के आसपास का होता है सर, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कम से कम। इसका डिटेल्स आपको इसके साइड में जाके मिल जाएगा, कंपनी के साइड के अंदर जाके भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप इंडिया बुल हाउसिंग के साइड में जाओगे ना, वहां पर भी आपको इसके बॉन्ड के बारे में, क्या इसका बॉन्ड में कब कितना पेमेंट करना है, आप अगर पेमेंट करोगे तो आपको कितना बॉन्ड मिलेगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर पब्लिक क्यों इनको पैसा देगा? सर पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा, 12% 13% इंटरेस्ट मिलता है, 12% 13% के आसपास इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता है। मतलब मार्केट से, बैंक वाले से तो ज्यादा देगा, सिंपल बात है, ठीक है? मार्केट में बैंक कितना दे देता है? 5.5 6%, 6.5% मैक्सिमम, आपको 10 11% मिल जाता है। हाँ देख लेना चाहिए, रेटिंग वगैरह चेक कर लेना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। और ये लोग कौन है? लीड मैनेजर है, मार्केट से पैसा उठाने का काम करता है सर। बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज है, ये मार्केट से इनका पैसा रेज करने में हेल्प करेगा। इनको मर्चेंट बैंकर कहते हैं, इनको अंडर राइटर्स कहते हैं, ठीक है, इनको अंडर राइटर्स कहते हैं। और ये कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी है, डिबेंचर के केस में ट्रस्टी बोर्ड होते हैं। आगे आगे आपको डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ये सब है, ये सब लॉ में लिखा हुआ है। लीड मैनेजर पढ़ना पड़ेगा आगे। अब आप देख रहे हो कि कौन है लीड मैनेजर, क्या करता है, ठीक है? एडेलवेस, इलारा, और भी बहुत सारे हैं, हर कंपनी का आपको अलग अलग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सेमको गोल्ड का दिखाया था, सेमको गोल्ड में देखो IIFL सिक्योरिटीज, एम्बेट, SBI कैपिटल, ठीक है, कैप सिक्योरिटीज, ये सब कौन है? बुक रनिंग लीड मैनेजर है। यानी बुरा इस पैसे को, जितना पैसा इनको चाहिए, जैसे इनको 400 करोड़ का इक्विटी चाहिए, इनको 400 करोड़ मोस्ट प्रोबली, मैं लास्ट दिन देखा था शायद। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, तो कभी लोन चाहिए तो कभी इक्विटी चाहिए। अब आपको पता है लोन में क्या होता है और इक्विटी में क्या होता है, वो फाइनेंशियल मैटर है कि लोन वाले को इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलता है। लोन का अमाउंट जो है वो फिक्स होते हैं, है ना,
कंपनी चले ना चले इंटरेस्ट पेमेंट करना जरूरी है, सबसे पहले मिलेगा, लेकिन फिक्स है। इक्विटी का क्या है, कंपनी नहीं चल पाया तो इक्विटी का पैसा डिविडेंड ना भी मिल सकता है, लेकिन कंपनी अच्छा चले तो इक्विटी वाले को हाई रिटर्न का संभावना है ना। इक्विटी में शेयर होल्डिंग मिलता है, कंपनी का हिस्सा मिलता है, जो इक्विटी में पैसा लगाएगा वो उनको कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगा, जो बॉन्ड में पैसा लगाएगा वो बाहर वाला बंदा बनेगा, क्योंकि तो उसका कंपनी का हिस्सेदारी नहीं चाहिए। कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाया, जैसे बैंक लोन देते हैं वैसा ही आप भी लोन देते हो कंपनी को, बदले में कंपनी आपको आपको सूद देगा, जिसको डिवेंचर कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, बस यही चीज है। अब आपको और डिटेल्स जानना है, और डिटेल्स जानना है जो लॉ के वाइज, मतलब एवरीथिंग इज एज पर लॉ, ठीक है, सारा बातें जो है ना सब लॉ के हिसाब से लिखा है। ये देखो सर, मैंने आपको रिसेंटली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एमओए ओए पढ़ा है ना, यहाँ पर आपको कंपनी का आर्टिकल पता लग जाएगा, ठीक है। ऑडिट कमिटी के बारे में भी मैं आपको आगे जाके लॉ में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर कंपनी लॉ में, ऑडिट कमिटी क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ा करो, इसमें इसको पढ़ने से ना शायद कुछ बात अभी समझ में ना आए, बट ये पढ़ने से ना आपको किताब का पढ़ाई जो है ना वो बहुत सिंपल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आसमान से टपका खजूर पे लटका, ऐसा नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं भाई आसमान से भी टपका नहीं और खजूर से भी लटका नहीं, यही का है, ठीक है ना। तो पढ़ाई क्रिटिकल नहीं होता है सर, हम लोग उसको क्रिटिकल बना देते हैं, बस जो जिस चीज को सीखने के लिए जो करना चाहिए वो अगर नहीं करेंगे तो वो चीज दिन ब दिन टफ बनेगा। तो आप इसको टफ मत बनाओ, आप इसको सिंपल रखो और इसको इस दुनिया का ही रखो सर, मतलब ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखो पढ़ाई को कि जैसे इसको लगे कि भाई यहीं का चीज है, कोई बाहर से आया नहीं है, ठीक है सर। बहुत ज्ञान दे दिया आप, चलो लॉ पढ़ाओ। ओके सर, चलो बहुत ज्ञान बांट दिया और बहुत डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, अब सीधा बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस के अंदर, क्या कहते हो क्या कहते हो सर, आगे बात करें, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, बोलो। नील, सनोन, सलिनी, बोलो सर, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। ओके सर, ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो सर। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस क्या रहते हैं, मैटर डेट इंडिकेटेड ऑन प्रॉस्पेक्टस इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस नॉट टू बी इशूड अनलेस कॉपी हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। इसीलिए जब आप सेबी के साइड में चेक कर रहे हो, सेबी के पास तो है ठीक है, बट आरओसी के पास भी फाइल होना चाहिए, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। इसलिए जब आप यहाँ पर चेक करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल फाइल विथ आरओसी, देख रहे हैं ना, ये आपका डेब्ट के केस में, पब्लिक इश्यूज के केस में भी आप देखोगे, यहाँ पर देखो आरओसी, तो आरओसी के पास डॉक्यूमेंट गया कि नहीं ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट्स आरओसी का भी आपको चाहिए सर, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एकदम लॉ इसी तरह से आपको क्या बनाता है, एडुकेटेड बनाता है, तो आप इसलिए एडुकेट हो रहे हो, आप एडुकेट खुद को करो और दुनिया को भी करते रहो। तो डेट इंडिकेटेड एज प्रॉस्पेक्टस इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस नॉट टू बी इशूड अनलेस कॉपी हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशंस, इट इज टू बी साइंड बाय द एवरी पर्सन नेम देयर इन एज डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर, ठीक है। रजिस्टर नॉट टू रजिस्टर अनलेस ऑल कंपनीज आर कवर ऑल पर्संस नेम्ड इन प्रॉस्पेक्टस हैविंग फाइल्ड देयर कंसेंट इन राइटिंग, तो जो भी इसका मेंबर बनता है कंपनी वगैरह का, सभी का कंसेंट होना चाहिए तब जाके फाइल होता है। सेक्शन 26 जो है मेंशन द वेरियस मैटर्स व्हिच आर टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रॉस्पेक्टस में जो भी लिखा रहता है उसका जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 है, और उसका पॉइंट है सर, यहाँ पर आपको कितना पॉइंट मिल जाएगा, करीब 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 करीब, 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 करीब। एक सेकेंड, 7-8 पॉइंट तो है ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है, देख लेता हूँ। मेनली 7-8 पॉइंट्स है, ठीक है, जिस पॉइंट्स में आपको प्रॉस्पेक्टस का पूरा
फीचर्स वगैरह जो है ना, कि क्या लिखा रहता है प्रॉस्पेक्टस में, उस पूरा चीज को उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। मैंने लास्ट दिन ये बात बोला था क्या? प्रॉस्पेक्टस का डिटेल्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था या नहीं? पढ़ा दिया था क्या? नो सर, नहीं सर। ओके, नहीं ना। अच्छा ठीक है, चलो पढ़ा देते हैं। तो जैसे सेक्शन 26 कहता है कि प्रॉस्पेक्टस टू बी डेटेड एंड साइंड एंड स्टेट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, एवरी प्रॉस्पेक्टस इशूड बाई ऑन और बिहाफ ऑफ ए पब्लिक कंपनी विथ आइदर विथ रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली और बाई ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज और हैज बीन एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड एंड साइंड एंड शैल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इन कंसल्टेशन विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, हाउ एवर अंटिल द सेबी, जब तक सेबी, अंटिल द सेबी स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडर द सबसेक्शन ऑफ रेगुलेशन मेड बाई सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैंने जो कुछ भी प्रॉस्पेक्टस के अंदर फाइनेंशियल रिलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, शैल अप्लाई। प्रॉस्पेक्टस शैल मेक ए डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कुछ भी रहेगा एज पर कंपनीज एक्ट रहेगा, एंड स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रॉस्पेक्टस इन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मैंने ऐसा कुछ भी चीजें अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, सेबी एक्ट के अगेंस्ट में, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, There are some certain exceptions also, ठीक है? ये जो भी बात यहाँ पर कहा गया है, इसमें exceptions भी दिया है। It is the issue of existing members or debenture holders of a company or of a prospectus or form of application relating to shares in or debentures in the company, whether an applicant has a right to renounce the shares or not under subclause 2 of the clause A of subsection 1 of section 62 in favor of any other persons. मैंने basically कहना ये चाहते हैं, ये जो sections जो currently discussions हम लोग कर रहे हैं, इसमें अगर कोई पर्टिकुलर बंदा एग्जिस्टिंग मेंबर और डिवेंचर होल्डर्स, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी में डिवेंचर होल्ड करते हैं या शेयर होल्ड करते हैं, ऑफ ए प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी वेदर एन एप्लीकेंट हैज अ राइट टू रिनाउंस द शेयर्स, रिनाउंस माने अपना शेयर किसी और को दे देना, ठीक है, अपना शेयर किसी और को दे देना, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही बात करना है। टू द इश्यू ऑफ ए प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर डिवेंचर व्हिच आर टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट इनफॉर्म विद शेयर्स और डिवेंचर प्रीवियसली इशूड, मैंने जो पहले इशू किया था, फॉर द टाइमिंग डील्ड और कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में डील्ड होता है तो वो चीज भी यहाँ पर एक्सेप्शनली देखना पड़ता है कि भाई ये अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी पूरा बात एप्लीकेशन हो जाएगा और जो कुछ भी होगा ये सबसेक्शन 1 जो है कहाँ अप्लाई होता है वही बता रहा है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 जो है वो बेसिकली डेट साइन एंड टू स्टेट स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है और यहाँ पर एक्सेप्शन करके बता दिया कि ये सबसेक्शन 1 कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू प्रॉस्पेक्टस और टू ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें भी आपको बताता है सर, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू प्रॉस्पेक्टस और ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वेदर इशूड और ऑन और विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी और सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेट इंडिकेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। तो बस ये सिंपल सा बात करते हैं कि जो भी डेट प्रॉस्पेक्टस में दिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मैंने दिखा रहा था ना, यहाँ पर डेट लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर डेट लिखा है ना June 27, तो वही प्रॉस्पेक्टस का डेट माना जाएगा, बस यही बात कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को ना बार बार बोलता रहता हूँ कि आप लोग ना पढ़ा करो ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ा करो, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, आपको किताब में जो बातें लॉ में लिखा है ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। साथ में ये क्या कहते हैं सर, प्रॉस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी टू रजिस्टर फॉर फाइलिंग, प्रॉस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी टू रजिस्टर फॉर फाइलिंग, जब ये आरओसी के पास जाएगा रजिस्टर के लिए, फाइलिंग के लिए, उसके बाद ही वो प्रॉस्पेक्ट इश्यू कर सकता है। नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी on in relation to an intended company unless on or before the date of its publications there has been delivered to the register for filing, pehle ye filing ke liye ROC mein jayega, a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director, mane jo company ka director banega ya banne wala hai, theek hai, aur by is duly authorized attorney, agar wo nahi kar raha hai to unke behalf mein jo bhi lawyer karega, theek hai, tabhi jaake prospectus issue ho sakta hai, agar wo register for filing mein nahi gaya hai to wo prospectus issue karne ka koi matlab nahi hota, theek hai।
बस यही बात कहना चाहता हूँ। प्रॉस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेट्समैन अंडर सर्टेन सरकमस्टेंसेस। अब इसमें और भी चीजें आपको बोलते हैं सबसेक्शन वन में, 26 के अंदर चल रहे सर, ठीक है, इस 26 के अंदर सबसेक्शन 5 कहते हैं प्रॉस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सरकमस्टेंसेस। A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formations or promotions or management of the company and has given his written consent to the issue of prospectus and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy. अब यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा, जो भी बंदा कंपनी के prospectus issue के टाइम पे अपने आप को मतलब एक authorized expert के तौर पे काम कर रहा है, अगर बाद में कोई भी दिक्कत होता है ना तो वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट को भी पकड़ा जाता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट को पकड़ा जाता है, उनको ये जवाब देना पड़ता है सर, ठीक है, कि आप प्रॉस्पेक्ट इशू के टाइम पे आप एक्सपर्ट के तौर पे काम किए थे, ठीक है, तो वो अगर बोलेगा ना तो फिर उसमें काफी मुद्दा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स कौन है, अब आपके मन में सवाल है ना सर कि कौन एक्सपर्ट्स है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट इशू के टाइम पे, कौन एक्सपर्ट के तौर पे काम करता है, आप लोग बुद्धिमान हो सर, समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग बुद्धिमान हो ना, एक्सपर्ट कौन है, ये सब काम कौन करता है कंपनी के बिहाफ से, ये सब प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू करने का काम कौन करता है, ड्राफ्टिंग का काम कौन करता है, सीएसीएस वाले सीएमए वाले करते हैं, और कौन, आप यहाँ पर लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 38, ठीक है, एक्सपर्ट इंक्लूड है इंजीनियर, अ वैल्यूअर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफिकेट इन पर्सन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जिनको भी लॉ के थ्रू से पावर मिलता है, ऑथोरिटी मिलता है, उसी को एक्सपर्ट बोला जा सकता है, बट मेनली इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, स्पेशली इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एटसेट्रा। वैल्यूअर का बहुत बड़ा खेल होता है, स्पेशली इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, ठीक है, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट का तो वैल्यूएशन होगा ही सर, बिकॉज ज्यादातर काम ही लोग करते हैं, नहीं मेनली यही है, ठीक है, सी एस सी एस सी एम ए का ही रोल प्ले होते हैं, सी एस का तो पूरा ये ड्राफ्टिंग का काम होता है बहुत पॉपुलरली, सी ए का काम एंड सी एम ए का काम जो है सर फाइनेंशियल मैटर को कंप्लीट करना और बाकी लीगल चीजों को भी देखना, ठीक है, और पूरा प्रोसेस को, पूरा मार्केट में जो कंपनी आता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, मार्चेंट बैंकर या अंडर राइटर्स वाले आते हैं, ठीक है, जिनको मार्केट से पैसा रेज करना होता है, ये पूरा काम देखने, मतलब इनके इनके भीतर भी चार्टर्ड मिलेगा आपको, कंपनी जो पैसा इशू कर रहा है उनका भी चार्टर्ड काम करता है, या सीएमए वाले काम करते हैं, उनका भी अपना सीएस होता है, ये जैसे देखो ये सेनको गोल्ड का कंपनी सेक्रेटरी है सुरेंद्र गुप्ता, ठीक है, ये इस पूरा काम को देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये तो था आरएचपी, अगर आप इसके केस में देखते हैं सर कोई बंदा मिलता है कि नहीं, इनके केस में तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे, बट देखने को मिल जाता है सर, इशू क्लोज ऑन ये दिया है, रजिस्टर का जो काम कर रहे हैं उनका नाम दिया है, अच्छा इसमें तो मुझे यहाँ पर कोई कंपनी सेक्रेटरी का नाम दिखाई नहीं दिया है, बट ये सब भी करते हैं सर, ठीक है, बाकी अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है, तो आप प्रॉस्पेक्टस के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, ठीक है, चाहो तो मैं सब चीज दिखा सकता हूँ, लेकिन सर लॉ बुरा मान जाएगा, बिकॉज लॉ में बहुत सारी चीजें कवर करना है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक्सपर्ट्स है तो एक्सपर्ट अपने बारे में बताएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस नॉट टू इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, द प्रॉस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट अनलेस द एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड हैज नॉट विदड्रॉन सच कंसेंट, मैंने उसका नाम वो विदड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है, डिलीवरी ऑफ ए कॉपी टू द प्रॉस्पेक्टस टू द रजिस्टर फॉर फाइलिंग, ठीक है, अगर वो विद्रॉल कर लेगा तो उसका नाम नहीं रहेगा, सिंपल बात है, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है ना सी एस सी एस सी एम ए वाले का हवा टाइट कर सकता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा काम है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम है, बिकॉज कंपनी मार्केट में आते हैं कोई 2000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, अभी आपने देखा है ना ये जो इंडिया बुल्स है, इंडिया बुल जो हाउसिंग फिनांस है, कहाँ चला गया भाई, ये लोग 2000 करोड़ के लिए आ रहे हैं लोन लेने के लिए, मैंने आपको लोन इशू करेगा, अब 2000 करोड़ कोई कम चीज है, ये सेनको गोल्ड है, ये 400-500 करोड़ तो शेयर इशू करने के लिए आ रहा है, अब ये तो बस एक दो कंपनी का मैंने बात किया, अब सारा दिन कितना सारा कंपनी आ रहा है जा रहा है ना, अब इतना पैसा उठाएगा मार्केट से, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई कम चीज है,
किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन ले, और एक के साथ धोखा हो जाए तो लाखों लोग मतलब बेसिकली मार्केट से दुश्मनी ले लेगा, बोलेगा नहीं भाई मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, तो फिर पूरा इकोनॉमी खराब हो जाएगा। प्रॉस्पेक्टस टू मेंशन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज, है ना, फॉर्मेलिटीज भी मेंटेन करना है। अच्छा इसके पहले कोई पॉइंट था क्या? ठीक है, प्रॉस्पेक्टस टू मेंशन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज ऑन इट्स फेस, एवरी प्रॉस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन वन शैल ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू द रजिस्ट्रार मतलब आरओसी एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन फोर में बोला है। स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई दिस सेक्शन टू बी अटैच टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। अब क्या क्या रहेगा पूरा चीज देख लो, आप यहाँ पर समरी करके दिया है। कॉन्टेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, पहला बात है कि डेट ऑफ पब्लिकेशंस, जो डेट प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है उसी डेट को उसका माना जाएगा। साइंड बाय डायरेक्टर्स एंड प्रपोज्ड अटॉर्नी, ठीक है, साइंड बाय डायरेक्टर या प्रपोज्ड डायरेक्टर, मतलब या तो जो डायरेक्टर है ऑलरेडी या फिर जो डायरेक्टर बनने वाला है या फिर जो अटॉर्नी का काम कर रहा है, ठीक है, बिहाफ में। एक्सपर्ट रिपोर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट रिपोर्ट नॉट एंगेज इन फॉर्मेशन, मतलब वो फॉर्मेशन में एंगेज नहीं है, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट अगर है तो वो बता देगा। रिटन कंसेंट अगर है तो गिवेन, नॉट विदड्रॉन होना चाहिए, ठीक है, अबव पॉइंट्स मेंशन इन प्रॉस्पेक्टस ये मेंशन होना चाहिए। कवर पेज ए कॉपी इज डिलीवर्ड टू आरओसी, आरओसी के पास डिलीवर्ड होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी, क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम आरओसी के पास जमा कर रहे हो, ये सारा बात आपको प्रॉस्पेक्टस के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा प्रॉस्पेक्टस टू बी इश्यूड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, है ना, हर चीज का एक टाइम होता है ना सर, जैसे आप लोग भी इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिलअप करते हो उसका भी एक टाइम पीरियड है ना, एग्जाम फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन, है ना, समथिंग। तो नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द कॉपी देयर इज डिलीवर्ड टू रजिस्टर, रजिस्टर के पास डिलीवरी होने के बाद 90 दिन के अंदर। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच ए कॉपी देयर इज डिलीवर्ड टू द रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 8। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि 90 दिन के अंदर आपको रजिस्टर के पास जमा होने के 90 दिन के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने का टाइम है, उसके बाद में, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। हाँ सर, लॉ है सर, अब लॉ में आपको इसी तरह से पॉइंट को रिमेम्बर करना पड़ेगा। 8 पॉइंट क्या कहते हैं, अब देख लो, पनिशमेंट इफ इशूड प्रोस्पेक्टस कंट्रावेंस एप्लीकेबल प्रोविजंस, पनिशमेंट का भी तो होगा ना, अगर सेक्शन 26 आप जो कुछ भी एज पर कंपनीज एक्ट नहीं होगा, जो कुछ भी एज पर कंपनीज एक्ट नहीं होगा तो उसको क्या मानेंगे, कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे, है ना। तो इफ इशूड प्रोस्पेक्टस कंट्रावेंस एप्लीकेबल प्रोविजन, इफ ए प्रोस्पेक्टस इशूड इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26, सेक्शन 26 माने कंपनीज एक्ट, ठीक है, शैल बी पनिशेबल विद द फाइन जो कि कम से कम 50,000 का होगा। चलो यहां पर आप शॉर्ट में देख लो, सेक्शन 26 को अगर कॉन्ट्रावेंट करेगा, कॉन्ट्रावेंट करना माने लॉ के साथ अगर नहीं चलेगा तो क्या 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 फाइन लगेगा, कंपनी के केस में 50,000 से लेके 3 लाख तक का कंपनी को लगेगा, और एनी पर्सन नोइंगली अ पार्टी टू इश्यू ऑफ सच प्रॉस्पेक्टस, माने बेसिकली एक्सपर्ट वगैरह इसमें आ जाता है या जो भी कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसके इरेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो उनको ऐसा पनिशमेंट है 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन, ठीक है, डर लगेगा सर, 50,000 कोई कम चीज नहीं है, 3 लाख भी कम चीज नहीं है। ये आपको एक एग्जाम्पल्स मिल जाता है समझने के लिए, या एक एग्जाम्पल अच्छा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हैज अलॉटेड इट्स शेयर्स टू टू द इन्वेस्टर्स एट ए लार्ज विदाउट इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आरओसी में अभी प्रॉस्पेक्टस फाइलिंग नहीं हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अलॉटेड इट्स शेयर्स टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को शेयर इशू कर दिया, प्रॉस्पेक्टस अभी भी रजिस्टर पे जमा नहीं हुआ मुंबई में, ठीक है, कहाँ का केस बता रहा है, मुंबई का। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट अ पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक ओनली बाय इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 23 कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा, और जो प्रॉस्पेक्टस फाइल भी करना पड़ेगा आरओसी के पास। सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 कहता है
The matter required to be disclosed and included in a prospectus and required the filing of the prospectus with the register before it is issued. जो भी process है अभी आपको मैं पढ़ के सुना रहा था 26 subsection 1. In the given case, the company has violated the above provisions of the Companies Act 13 and hence the allotment made by it is void. The company will have to refund the entire money received and will also be punishable under section 26 subsection 9 of the Act. समझ में आया सर? यहाँ पर कंपनी जो है डॉक्टर सन्नी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं था, पब्लिक कंपनी था, इसीलिए सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है. तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, आप बिना प्रॉस्पेक्टस इशू करके और प्रॉस्पेक्टस के साथ जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट सबमिट बिना सबमिट सबमिशन के साथ कभी भी किसी को शेयर अलॉट नहीं कर सकते. जैसे आपको मैं लास्ट क्लास में क्या दिखाया था कि कितना सारा कंपनी अभी आईपीओ प्रोसेस में लगा हुआ है ना. जैसे रिसेंटली सेंको गोल्ड ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ. आज 7 तारीख है, आज 7 जुलाई है, कल लास्ट डेट था एप्लीकेशन का. अब अलॉटमेंट का लास्ट डेट कब है चलो देख लेते हैं. ये पूरा सेंको गोल्ड कंपनी जो है वो जो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल गोल्ड रिटेल का चेन है, ठीक है, सोना रिटेल में बेचते हैं सर पब्लिक को माने कंज्यूमर को, उसका वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है. माने इतना दिन प्राइवेटली ऑपरेट होता था, अब स्टॉक मार्केट में आ जाएगा. तो इसने इशू पीरियड दिया था 4 जुलाई से 6 जुलाई, एप्लीकेशन पीरियड था, अलॉटमेंट फाइनल करेगा 11 जुलाई को, माने अभी 3 दिन बाद, ठीक है. जिसको मिल जाएगा ठीक है, उसको शेयर दे दिया जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा उनको रिफंड कर दिया जाएगा, और जिनको मिलेगा उनको शेयर दिखेगा उनके डीमैट अकाउंट में, क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट अकाउंट में शो करेगा 13 जुलाई को, और ये स्टॉक मार्केट में मैंने बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हो जाएगा 14 जुलाई को. और आपका जो पैसा, जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा आईपीओ के थ्रू से लगाया था, अगर किसी का मैंडेट था, मैंडेट माने क्या होता है, इसको ईसीएस मैंडेट भी बोलते हैं. जब हम लोग किसी कंपनी के शेयर में पैसा इशू लगाते हैं ना सर, तो हमारा पैसा ना लियन हो जाता है. लियन माने कंपनी शेयर देगा कि नहीं देगा, माने सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है. कंपनी तो इशू कर दिया, हम लोग पैसा लगा दिए एज ए इन्वेस्टर, बट सब्सक्रिप्शन में क्या है ना, अगर ज्यादा हो जाए तो कंपनी को भी एक लिमिटेशन होते हैं. ये सब आप लोग प्रोडाटा अलॉटमेंट वगैरह कर चुके हो ना, बचपन में भी किए हो, फाउंडेशन लेवल का अकाउंट्स में भी ये सब था, कंपनी अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ. तो क्या होता है कि अगर किसी को नहीं मिलता है ना, तो उसका पैसा रिफंड तो होगा, और ये जो मैंडेट जो है माने पैसा डेबिट होने का जो होता है कि अगर आपका लियन अमाउंट जो है वो कंपनी काट लेगा अगर शेयर देगा तो वो मैंडेट एंडेड 21 जुलाई रखा गया है. मैंडेट बने आप जब भी अप्लाई करेंगे आपका पैसा लियन हो जाएगा, माने बैंक अकाउंट में शो करेगा, पर इस पर्टिकुलर अमाउंट में माने लॉट का जो अमाउंट का साइज है, माने नॉर्मली 1 लॉट अप्लाई करना पड़ता है, इसमें कम से कम 13-14 हज़ार का कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, 1 लॉट का, तो आपका वो पैसा क्या करेगा, रोक देगा, और अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपको रिफंड कर देगा. बस यही प्रोसेस है. ये चीज भी लास्ट दिन में बताया था, फिर से बता दिया एक बार. अब कहानी क्या है सर, यहाँ पर बात वही हुआ है जो सन्नी फार्मास्यूटिकल्स के साथ क्या हुआ है, कि वो बिना प्रॉस्पेक्टस का और प्रॉस्पेक्टस रिलेटेड जो भी लीगल मैटर है एज पर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं किया था, तो इसको वॉइड माना जाएगा, और वॉइड माने कैंसिल, और जो जिसका भी पैसा है वो सब रिफंड हो जाएगा. कंपनी जितना भी पैसा रिसीव किया था ना, वो एकदम इलीगल माना जाएगा, एज पर लॉ नहीं है माने इलीगल है, और वो सब रिफंड करना पड़ेगा. और साथ में जो कंपनी या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 के तहत उनको पनिशमेंट मिलेगा. बात समझ में आया रे? बोलो सर, बोलो. अरे ठीक है, तो ये चीजें होते हैं सर. इसी तरह से कंपनी का प्रॉस्पेक्टस के अंदर खेल चलता रहता है. कंपनी मार्केट में बिजनेस करेगा, सब कुछ ठीक है सर, बट अगर लॉ सही नहीं होगा ना, पब्लिक कभी भी भरोसा नहीं पाएगा. और पब्लिक का भरोसा जरूरी होता है जब देश के अंदर चाहे कोई भी लॉ हो, जैसे ये तो बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है,
लॉ जितना सही रहेगा पब्लिक का भरोसा उतना अच्छा रहेगा। अब इंडियन लीगल जो जुडिशियरी जो सिस्टम है या फिर जो चाहे बाकी लॉ का भी आप देख लो, उसका मैं उतना नॉलेज नहीं रखता, बट एटलीस्ट कंपनीज लेवल में पहले से काफी बेहतर हुआ है। और जितना लॉ बेहतर हो रहा है मार्केट उतना ज्यादा सिक्योर फील हो रहा है, और मार्केट जितना सिक्योर हो रहा है और लोग भी एडुकेटेड हो रहा है ना, तो एडुकेटेड होने के साथ क्या सुविधा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ रहा है, नॉलेज गैदर कर रहा है, और नॉलेज हो रहा है तो मार्केट में पैसा लगा के चिंता नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा कोई खा लेगा या फिर करप्शन में डूब जाएगा, ठीक है, ये फीलिंग्स नहीं है, अभी चेंज हो रहा है। बस एक ही चीज है सर, जनता को, जनता माने पब्लिक एट लार्ज, स्टूडेंट सेगमेंट को, और जागना है। जागना माने माने कॉन्शियस होना है, नॉलेज गैदर करना है, तो फिर इकोनॉमी बदल सकता है। इंडिया में पोटेंशियल, दुनिया बोल रहे सर इतना पोटेंशियल है इंडिया में। आप देखिए रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग में फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैनशिप लिए, माने रशिया चाइना सभी को ही है, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैनशिप दिया गया है। G20 का भी चेयरमैनशिप उनके पास था इस बार। और सब क्या मतलब, एक चीज अच्छा लग रहा है कि जहां जा रहे हैं करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, हर जगह में तारीफ ही मिल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सब इंडिया को दुनिया का पोटेंशियल कंट्री मानते हैं, रेस्पेक्ट मिल रहा है, और ये रेस्पेक्ट सिर्फ मोदी जी के कारण नहीं मिल रहा है, ये मोदी जी ऑब्वियसली लीडर है जो हमें फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में जो हो रहा है ना, जो भी ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, लॉ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, IAS IPS सब मिल के देश को बना रहे हैं, तब जाके ये दुनिया में इतना सम्मान मिल रहा है। बाहर का पैसा ऐसा नहीं आता है, बाहर से पैसा जो आ रहा है, ये जो इतना बिलीव सिस्टम बन रहा है, चाइना के साथ इंडिया मैंने कंपटीशन दे रहा है, जो इतना चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है सर, तो कहीं ना कहीं देश के लॉ में भरोसा हो रहा है बाहर वाले को। अच्छा अब आगे और चलते हैं सर, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटरलाइज्ड फॉर्म। अब आप लोगों को तो ये बात पता है ना सर, आप लोग डीमैट अकाउंट के बारे में तो सुने हो, हेलो है भी होगा आप लोगों का, किसी का है आप लोगों में से किसी का डीमैट अकाउंट है? मैंने शेयर मार्केट, अगर किसी को शेयर मार्केट में शेयर वगैरह खरीदना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए, है किसी का, या घर पे किसी का, पापा का, माँ का, दादा का, मेरे भैया का? अरे अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, है किसी के घर पे? वो कनेक्टेड हो, आवाज नहीं आ रहा है किसी का, हाँ सर। डीमैट अकाउंट है नहीं किसी का? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब समझ आएगा तब ओपन कर लेना। तो डीमैट अकाउंट क्या है सर, डीमैट अकाउंट के बारे में क्या कहता है? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डीमैट फॉर्म, मतलब अगर शेयर मार्केट पब्लिक कंपनी का शेयर है किसी के पास, तो वो डीमैट अकाउंट फॉर्म में ही होना चाहिए। इसके बारे में सेक्शन 29 बात करता है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, एज वेल एज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। इसको शॉर्ट में पास रूल भी कहते हैं, यानी PAS रूल। PAS क्या से कहां से आया? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसको शॉर्ट में कहा पास, ठीक है। तो पास रूल से भी ये बात आता है, क्या बात आता है, कि वही सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज रूल कंटेन प्रोविजंस व्हिच रिक्वायर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटरलाइज्ड फॉर्म। जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करेगा उसका शेयर डीमेटरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर डीमैट फॉर्म क्या होता है? सर इन सिंपल कुछ भी नहीं है, डीमेटरियलाइज कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में शेयर को मेंटेन करना है, डिजिटल फॉर्म में शेयर को मेंटेन करना है। जैसे हम लोग जब भी किसी कंपनी का शेयर बाय करेंगे, जैसे ये कंपनी जो शेयर इशू के लिए निकला है सेंको गोल्ड, या फिर कुछ दिन पहले कितना सारा और भी कंपनी शेयर इशू कर चुका है, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा कंपनी आ रहा है, नंबर ऑफ लिस्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली काफी सारे का लिस्टेड प्रोसेस खत्म हुआ, जैसे ये मेरा कुछ स्टॉक मार्केट क्लास में इसके बारे में कुछ रिसेंट बातचीत हुआ है सर, ठीक है, आइडिया फोर्ज, ठीक है, रिसेंटली अच्छा लिस्टिंग भी दिया है, मैनकाइंड फार्मा, एवलन टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे, अदानी एंटरप्राइज का। तो कहने का मतलब है जिसको भी शेयर मिल रहा है वो सब डिमांड में है, मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकल सिस्टम अभी बंद हो गया है,
अब सुनोगे कभी कभी फिजिकल चेयर का सर्टिफिकेट होता था, अभी वो सब सिर्फ प्राइवेट लेवल में हो सकता है, पब्लिक कंपनी का शेयर हो तो वो फिजिकल सिस्टम बंद हो गया, सब कुछ डीमैट फॉर्म में। तो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म बाई कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ डिपोजिटरीज एक्ट 1996। अब आप बोलोगे सर कंपनीज रूल पढ़ रहे हैं या कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, सेबी एक्ट भी साथ में देख पा रहे हैं, अब ये कौन सा एक्ट आ गया? अगेन जो लोग सीए स्टूडेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव वाले, उनको तो मैं बस इतना बोलूंगा कि उनका जो लॉ है दैट इज इकोनॉमी लॉ एज वेल एज उनका एक पूरा जनरल लॉ का एक पेपर होते हैं, उसमें डिपोजिटरीज लॉ को अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सीए वाले स्टूडेंट्स या सीएमए वाले स्टूडेंट्स को ये चीज फाइनल में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बोल देता हूँ सर डिपोजिटरीज एक्ट होता क्या है। सर हम लोग जो मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, हमारा सारा पैसा एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के पास होते हैं, माने हम ये जो डीमैट अकाउंट होते हैं ना सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी कौन देता है, सवाल है, बड़ा सवाल है। चलो थोड़ा सा देख लो, डिपोजिटरीज, डिपोजिटरीज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, ये एनएसडीएल सीडीएसएल वाले कौन होते हैं सर? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये दो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों ही सेबी का ही एक तरह का बोलो कि सेबी के साथ ही काम करते हैं। ये दोनों बेसिकली डिपोजिटरीज एक्ट के अंदर काम करते हैं। अच्छा मैं डिपोजिटरीज एक्ट खोल लिया, एक सेकंड, तो मैं एनएसडीएल दिखा देता हूँ। एनएसडीएल, ठीक है, इसके थ्रू से पैन वगैरह का भी एप्लीकेशन डाला जाता है, जिसको भी पैन कार्ड चाहिए होता है एनएसडीएल के थ्रू से वो पैन का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एनएसडीएल जो है सर ये क्या है, इसका पूरा नाम, ये डिपोजिटरीज एक्ट के अंदर चलता है। ये देखो क्या लिखा है, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक जो है 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन काम क्या है, इट वाज एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन सजेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इट्स डीमेट अकाउंट्स नाउ होल्ड एसेट वर्थ ₹4 ट्रिलियन। सर ₹4 ट्रिलियन का एसेट होल्ड करता है ये एनएसडीएल में जितना डीमेट अकाउंट्स है, समझ रहे हैं कुछ आप लोग? हाँ समझा करो सर, समझा करो। प्राइवेटली ये ऑपरेट होते हैं बट ये डिपोजिटरी एक्ट के अंदर काम करते हैं। अभी डिपोजिटरीज का काम बस इतना है कि हमारा जो डीमेट अकाउंट है वो इनके पास सेफली रहते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर बेस करके जैसे किसी को भी मार्केट में शेयर चाहिए, मतलब शेयर खरीदना है, जैसे उस डीमेट अकाउंट में उसका शेयर बैठ गया ना, उसका शेयर एक्चुअली देखभाल कर रहा है डिपोजिटरीज वाले। हम लोगों को लगता है ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ऐसा कुछ भी, कोई भी ब्रोकिंग कंपनी के पास हमारा शेयर नहीं होता है, हमारा शेयर का देखभाल करने वाला ये लोग होते हैं डीमैट अकाउंट का बेसिकली। हाँ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली ब्रोकर के पास होते हैं, ठीक है, तो अगर हमको कंपनी का शेयर जब भी हमने परचेस कर लिया हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर आके बैठ गया और वो शेयर इनके कस्टडी में था। सर्विस टू इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, कस्टडियंस, इशू इश्यूअर कंपनी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस कोरिस्पॉन्डिंग, बहुत सारे काम करते हैं। ये हो गया एक वाले एनएसडीएल वाले, और एक होते सीडीएसएल वाले, इनका कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हो ये वाले सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसके पास भी कुछ कम नहीं है, ये तो और ज्यादा होल्ड करता है। उसमें आपने कितना देखा, $4 ट्रिलियन का, इसमें देख लो कितना है, ये 99 में बना है, इसमें 37.2 ट्रिलियन का एसेट हो डीमैट का विथ 580 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये जो ब्रोकिंग फार्म वगैरह है ना दे ऑल आर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपीस कहते हैं इनको, समझ रहे हो सर? हेलो आइडिया मिल रहा है ना? हाँ सर ठीक है,
सर एक चीज दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है, तो शायद आप लोगों को कभी कभी लग सकता है कि सर आप तो भटक गए। नहीं सर, मैं नहीं भटका, मैं तो आप लोगों को भटकाने से बचाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ना भटको। मैं कहना ये चाहता कि अचानक से आप डिपॉजिटरीज एक्ट देख लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरीज एक्ट क्या है। मैं डिटेल्स में तो नहीं गया, डिटेल्स आप लोग पढ़ोगे, जैसे एग्जीक्यूटिव वाले पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में, आप लोग सीएसईएमए वाले फाइनल लेवल में पढ़ेगा इसको, उसमें कोई बात नहीं सर। लेकिन ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि डिपॉजिटरीज क्या है, क्या काम करते हैं। द डीमैट रिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एज पर रूल 9 ऑफ पास रूल, माने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल के हिसाब से क्या करते हैं, एज पर रूल 9 ऑफ पास रूल, माने पास रूल माने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल, द प्रोमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी को प्रमोट कर रहा है, मेकिंग ए पब्लिक ऑफर और एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी माने जैसे मैं आपको कुछ देर पहले एनसीडी बता रहा था, माने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर माने तो वो तो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हुआ, बट कुछ शेयर कुछ ऐसे भी होते हैं ना बॉन्ड डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है शेयर में, तो उसको बोल रहे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। मे होल्ड सच सिक्योरिटीज ओनली इन डिमैट फॉर्म, उसको सिर्फ और सिर्फ डिमैट फॉर्म में ही उसको होल्ड करना पड़ेगा। इट इज प्रोवाइडेड दैट द एंटायर होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बाय द प्रोमोटर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म अप टू द डेट ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर शैल बी कन्वर्टेड इन टू डिमैट फॉर्म। मैंने आईपीओ से पहले तक ठीक था, बट आईपीओ के बाद से सब डिमैट हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ जो होता है सर वो उसको मनी उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड होने से पहले आईपीओ प्रोसेस चलता है। जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया, वो कंपनी अभी क्या हो गया, इतना दिन से वो प्राइवेट था, प्राइवेट से वो आईपीओ लाया, जैसे ही आईपीओ लाया वो स्टॉक मार्केट में आ गया, अब स्टॉक मार्केट में आ गया तो पब्लिक बन गया, और पब्लिक होते ही आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप अभी फिजिकल फॉर्मेट में कुछ नहीं रख सकते। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के दिन से लेके जो भी शेयर आपके पास आएगा, मैंने कंपनी जिसको भी देगा, वो सारा का सारा डिटेल्स डिमेटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए, मैंने डिमैट फॉर्म में डिजिटल कॉन्सेप्ट में रहेगा, ठीक है, कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सिंपल बात है। इन सच इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, As may be prescribed, the security shall be held or transferred only in demat form in the manner laid down in Depositories Act. अगर कोई unlisted company है, मैंने stock market में listed नहीं है, but public है, जैसे सरकारी companies वगैरह होता है, अगर Depositories Act permission दिया है, तो वो भी कर सकता है। Rule 9A of pass rule mention about issue of securities in demat form by unlisted public companies also, the provisions are required. Issue of security क्या बोला? वो भी पब्लिक कंपनी हो सकता है, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, माने है तो पब्लिक बट लिस्टेड नहीं है, ठीक है पब्लिक बट लिस्टेड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू 9A सबसेक्शन 1, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सक्लूडिंग अ निधि अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी जो होता है, उनको छोड़ के शैल इश्यू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट फॉर्म, ठीक है, अगर वो पब्लिक है पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसके अलावा मतलब किसी भी तरह से वो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक का पैसा उसमें, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस पे उसका भी शेयर का डिटेल्स डिमैट फॉर्म में होना जरूरी है। बस यही सब बात कहता है, साथ में और क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमैट फॉर्म। 9A सबसेक्शन 2 कहता है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग एनी ऑफर ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स, माने सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने सिर्फ शेयर नहीं होता, शेयर डिबेंचर बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, या फिर जब कंपनी बायबैक करता है। आप लोगों को बायबैक का आइडिया है सर? मैं सुन रहा था रिसेंटली मैम किसी क्लास में बायबैक पढ़ा रहा था, आप लोग बायबैक का अकाउंट्स कर रहे हो क्या आजकल? हाँ सनन, बायबैक का अकाउंट्स कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं तो फिर किसी दूसरे क्लास में होगा, ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ोगे सर? मैम पढ़ाएंगे कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी अकाउंट्स या फिर अलग से होता है इसका, ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स वगैरह जब पढ़ोगे तो उसमें आपको अकाउंट्स में पता चलेगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि बायबैक क्या होता है, कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से बायबैक कर लेता है। सर इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये होता है कि पहले कंपनी शेयर इशू किया था, अब कंपनी को लगता है कि उसका मार्केट में ज्यादा ही शेयर अवेलेबल हो गया, कोई भी कंपनी का शेयर परचेस करके कंपनी का कंट्रोलिंग ले सकता है, ये एक रीजन है, या फिर कंपनी कई बार अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए खुद का चीज ही खुद से मार्केट से परचेस कर लेता है, इसको बोलते हैं बाय बैक।
जो पहले उसने इशू किया था उसको बाई में बाद में बाई बैक कर लेगा। जैसे रिसेंटली इसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। आप सेबी के साइड में चले जाओ, फाइलिंग में चले जाओ, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टेटस, पब्लिक इशू, राइट इशू, नीचे आ जाओ, बाईबैक दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? ये देखो कुछ कंपनीज ने रिसेंटली ऑफर किया बाईबैक के लिए, और इनका शेयर ऑलरेडी है मार्केट में, बट ये चाहते हैं बाईबैक करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर जैसे पेटीएम ने किया था दिसंबर में, इमामी लिमिटेड मार्च में किया था, नेटको फार्मा ने मार्च 10 तारीख को किया था, इस तरह का पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको। जैसे पेटीएम ने ऐसा, बजाज कंज्यूमर ने किया था, ओपन कर लो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखो पोस्ट बायबैक पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट 15 दिसंबर को किया था, माने अपना ही शेयर मार्केट से वापस कर ले लेगा, ज्यादा दाम देगा आपको, ऑब्वियस बात है सर, ऑब्वियस बात है, ज्यादा दाम देगा। इसमें पूरा डिटेल्स में लिख दिया था कि क्या शेयर है, ठीक है? कि जो भी दाम चल रहा था, मुझे जितना नॉलेज आ रहा है सर, कोई 500-600 का शेयर चल रहा था, उसको 800 850 में कंपनी ने ऐसा दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अब अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो ये डिटेल्स अगर आप पढ़ोगे ना आपको पता लग जाएगा सर कि कितना दाम पे कंपनी बाईबैक किया था। मतलब जो भी मार्केट साइज रहते, शेयर प्राइस रहते हैं, उससे ज्यादा दाम ही देता है, तभी इतना लोग कंपनी को वापस दे देगा। हेलो, अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर हो और कंपनी आपको बोले कि मैं आपसे शेयर बाईबैक कर लूंगा, ऐसे तो नहीं करोगे आप? हाँ सर, ऐसे ही कर दोगे? अच्छा चलो भाई, कंपनी बोल रहा है दे देते हैं। कंपनी अगर आपको, से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी का 100 शेयर होल्ड करते हो 400 टका करके, तो आपके पास कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है? 40,000। कंपनी ने मार्केट में बताया कि मैं बायबैक करूंगा, तो अगर आप कंपनी के बायबैक प्रोसेस में एप्लीकेशन करना चाहते हो, कंपनी आपको ऑफर कर रहा है, बहुत सारे लोग ऑफर को मान लेते हैं, तो अगर कंपनी को आपका शेयर बायबैक करना है तो आप ऑब्वियसली 400 में तो देगा तो आप नहीं लोगे ना, तो फिर क्या फायदा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई ज्यादा दो, अब 20-40 में थोड़ी ना मानने वाले कोई, तो कम से कम 200-300 ज्यादा होना चाहिए पर शेयर में। अगर कंपनी बोलेगा कि 600 पर शेयर हम बायबैक करेंगे, तो आप बोलोगे चलो भाई सही है, अगर 600 भी कर दे तो भी 100 × 200 करके आपको 20,000 का फायदा है। ये सुनो, अरे बोलो जरा बोलो, आइए ना, समझ में बात आ रहा है कि नहीं? अब आप बोलोगे सर पब्लिक कंपनी ऐसा क्यों करता है? सर कंपनी का ऐसा करने के पीछे वेराइटी रीजन है, बायबैक भी आप लोग कंपनीज एक्ट के अंदर एक टॉपिक है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल इतना जान लो कि कंपनी, दो तीन कारण होता है मेन 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 एक होता है कंट्रोलिंग वापस लेना, क्योंकि टेक ओवर दूसरा कोई कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मार्केट ओपन है ना, तो कंपनी अपने पास जब ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो तब कंपनी ऐसा कर सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि अगर मार्केट में कंपनी का शेयर उतना बिक नहीं रहा है, तो कंपनी थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस जताते हैं कि देखो भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना बेकार में बैठे बैठे अपना ही शेयर परचेज कर सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। तो कई बार कंपनी अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए करते हैं। तो ऐसा रीजंस है, जो चीजें मैं आपको आगे और चर्चा करूंगा जब बायबैक ऑफ शेयर्स करूंगा, है सर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिमैट फॉर्म, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी और इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट ऑफर शैल इंश्योर दैट बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर KMP माने की मैनेजरियल पर्सनल हैज बीन डिमटेरियलाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिट एक्ट 1996 एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। कितना सुंदर बोला है, यानी कुछ भी लीगल चीज करो आप डिमैट फॉर्म में करो, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में ना करो। यहाँ पर आपको एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का बोला है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या रूल्स हैं उनका, वो भी बोल दिया। एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अनलिस्टेड पब्लिक इंटेंस टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 शैल गेट सच सिक्योरिटी डीमैटराइज्ड बिफोर द ट्रांसफर, हु सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मैंने जो सब्सक्राइब करेगा वेदर बाय या प्राइवेट प्लेसमेंट और बोनस इशू और राइट इशू ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 से चालू हुआ शैल इंश्योर दैट ऑल हिज एग्जिस्टिंग शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म बिफोर सच सब्सक्रिप्शंस। बस इतनी सी बात। डिपोजिटरी का एप्लीकेशन भी डालना पड़ता है, डिपोजिटरी माने
NSDL CDSL जिसके बारे में मैं आपको अभी बात कर रहा था, है ना। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना, बोलो। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रॉस्पेक्टस के एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी बोला है सर। आप लोग ये पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे, टीवी में ऐड नहीं देखोगे, बट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस को एडवर्टाइज किया जाता है न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन में भी दिखता है आजकल कई बार, मनी कंट्रोल वगैरह में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, वेर एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी प्रॉस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी इज पब्लिश्ड इन एनी मैनर, इट शैल बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई देयर इन द कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरेंडम एज रिगार्ड द फॉलोइंग। क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द मेंबर नेम ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम, द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर इट्स सिग्नेटरीज, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये सारी बातें उसमें मेंशन होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको आते ही सेल प्रॉस्पेक्टस दिखाया था, याद है? सेल प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, और एक होता है सर एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि सर सेल प्रॉस्पेक्टस क्या है, आपको ऑलरेडी पता चल गया, मैं बता दिया सर, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू करके रख लेना, मैं चाहो नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर सेल प्रॉस्पेक्टस का बोला है कि कौन सा सेक्शन, सेक्शन 31। ठीक है, सेल प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31 मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना, ये देखो ये इंडिया बुल्स का क्या है, ये इंडिया बुल्स का ये क्या है, सेल प्रॉस्पेक्टस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और मैंने आपको सेनको गोल्ड का भी दिखाया जो रिसेंटली आ रहा है, ये भी रिसेंट है, रिसेंट मैंने लास्ट मंथ का है। ठीक है, लास्ट मंथ का है, तो लास्ट मंथ का ये वाला था, और सेनको का तो अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ओरिजिनल में देख चुके हो। अब यहाँ पर आप ना थोड़ा लॉ में पढ़ लो, सेक्शन 31 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू सेल प्रॉस्पेक्टस, दिस प्रोविजंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग कमर्शियल एंड लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग दी फंड्स रेजिंग साइकिल। ये बेसिकली एक साइकिल की तरह चलता है, ट्रांचेस में काम करते हैं, मैंने एक पार्ट बाई पार्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो सेल प्रॉस्पेक्टस ना एक बार इशू कर दिया तो अभी अगला एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक ना एक पार्ट बाई पार्ट में कंपनी मार्केट से अपना जो बॉन्ड इशू करते हैं उसका पैसा उठाते हैं, इसका एक सेल्फ टाइम होते हैं। तो वी मे कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द इशूअर कंपनी, जैसे कि इंडिया बुल्स, इशू डिवेंचर्स फ्रीक्वेंटली एंड हैज टू फाइल ए प्रॉस्पेक्टस एवरी टाइम इट इशूज अ न्यू सीरीज ऑफ डिवेंचर। हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कम्स इन टू प्ले, लिटरली इट मीन्स अ प्रॉस्पेक्टस विद अ गिवन सेल्फ टाइम, any number of issue could be made during the tenure of sale prospectus, the only caveat is to supplement the sale prospectus by an information memorandum containing key updates or changes, mane agar company kuch update karega to usko thoda sa alag se batana padega, otherwise sale prospectus jo hote hain jaise ki ye wala, theek hai, ek bar company issue kar diya iska ek time limit de deta hai, ek saal ya do saal, something like that, theek hai, ab ye do saal ke andar ya ek saal ke andar company जितना बार मर्जी वो पर्टिकुलर जो अमाउंट होते हैं लिमिट का उसके ऊपर डिपेंड करके पैसा उठा सकता है। ऐसा नहीं कि जितना बार अलग अलग, मैंने 2000 करोड़ टोटल उठाना है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2000 करोड़ इनको चाहिए थ्रू डिबेंचर, लोन है सर ये, मैंने ये बेसिकली डिबेंचर इशू कर रहा है, तो 2000 करोड़ एक ही बार में नहीं चाहिए, एक पार्ट में मानो उनको 200 करोड़ चाहिए, किसी पार्ट में उनको 500 करोड़ चाहिए, किसी पार्ट में उनको 300 करोड़ चाहिए, किसी पार्ट में उनको और 400 करोड़ चाहिए। अब इस तरह से पार्ट बाय पार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और बार बार उसके लिए उसको एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं, तो ये इसका एक सुविधा है। और इसका एक ही प्रॉब्लम जो है कि अगर कोई अपडेट हो तो वो अपडेट आपको बार बार थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा है। तो सेल प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31 में बोला है और 31 में इसके बारे में क्लियरली बोला है, the expression sell prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period of time without the issue of further prospectus, jo maine aapko samjhaya, filing of sell prospectus with the register any class or classes of companies as SEBI may provide by regulation in this behalf, main aapko starting mein dikhaya kis tarah se aap SEBI ke site mein jaake sell prospectus ko download kar sakte ho, dikhaya na sir ekdam starting mein, ye dekho स्टार्टिंग में मैं आपको फाइलिंग्स में गया, यहाँ पर आपको ये रहा,
ये जो डेप्थ ऑफ डॉक्यूमेंट है ना सर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको डेप्थ ऑफ डॉक्यूमेंट में, ये ठीक है, फाइल विद आरओसी, यहाँ पर जाओ आपको सारा सेल प्रोस्पेक्टस डिटेल्स मिल जाएगा। सो ऑलरेडी मैं शो कर दिया, स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। तो क्या कहते हैं फिर सेक्शन 31, क्या कहते हैं? एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द सेबी मे प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ मे फाइल अ सेल प्रोस्पेक्टस विद रजिस्टर ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन व्हिच शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉर्मली जब फर्स्ट ऑफर करते हैं ना तो एक साल का रहते हैं, एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस व्हिच शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस। इन द सेकंड और सबसिक्वेंट ऑफर ऑफ सच सिक्योरिटीज issued during the period of validity of that prospectus. मैंने basically first offer within 1 year करना है और next offer अगर करना है तो उसको जो जितना दिन का validity है उस particular prospectus का उतने अंदर करना है। No further prospectus is required. मैंने अलग से फिर से second offer जब करेगा या subsequent offer करेगा तो अलग से prospectus issue करने का जरूरत नहीं, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द सेल प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला है कि कंपनी फाइलिंग अ सेल प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड। चार्ज क्रिएटेड माने अगर कंपनी मार्केट से किसी का लोन ले रहे हैं, ठीक है, किसी को लोन स्पेसिफिकली डिबेंचर दे रहा है ना, कंपनी लोन इशू कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है तो चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाया सिक्योर्ड, ये जो इंडिया बुल्स का मैं आपको दिखा रहा था, इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड माने चार्ज क्रिएट करेगा, माने कंपनी जिसको भी डिबेंचर इशू करेगा और जो भी पब्लिक कंपनी के या कोई भी कंपनी कंपनी के शेयर डिबेंचर में होल्डिंग रखेगा, कंपनी उसको अपने एसेट्स पे चार्ज देगा। कि भाई एक सिंपल सा बात है, अगर आप कंपनी को 1 लाख देते हो तो कंपनी आपको बदले में 1 लाख वैल्यूएशन का किसी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। चार्जेस लाएगा मॉर्गेज टाइप्स, ठीक है, इसको अलग से चैप्टर है सर चार्ज का, मैं बताऊंगा आप लोगों को चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज का जो भी डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर फैक्ट्स में बताना पड़ता है कि भाई किस पब्लिक को कौन से एसेट क्या वैल्यूएशन का चार्जेस किया है, ताकि अगर कंपनी कभी भी फेलियर हो जाए तो वो चार्ज क्रिएशन है ना सिक्योर्ड है तो उसको पैसा एसेट बेच के भी दिया जा सकता है। होता है सर, फाइनेंशियल वर्ल्ड है, सक्सेस भी जैसे होता है फेलिडिटीज भी आता है, तो ये सब जरूर होता है, नहीं तो लोग क्यों पैसा देगा। बैंक हमें लोन देता है बोलते कि भी आपका जमीन मॉर्गेज रखेंगे फिर लोन देंगे, आपको घर का लोन देता है बोलेंगे घर मॉर्गेज रखेंगे फिर लोन देंगे, ऐसा होता है ना, वैसा ही बात है सर। तो चार्ज क्रिएटेड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज हैव बीन ऑकर्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेकेंड ऑफर के अंदर, मैंने अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है ना तो उसका भी अपडेट देना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो भी जरूरी बातें हैं छुपाओ मत, बताओ, क्योंकि लोगों से पैसा लोगे ना तो जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा भाई। और ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल प्रोस्पेक्टस को एक साथ में डीम प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। वेयर एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर इज सिक्योरिटीज इज मेड, जब जब ऑफर करोगे तब तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दो, and such memorandum together with sale prospectus shall be deemed to be a prospectus, मतलब उसके भी हम लोग मतलब deemed मान लेंगे कि हमें ये भी prospectus है, मतलब information memorandum updation से basically। आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिमाग में जा रहे हैं सर क्या है, अरे क्या मेरा आशा गलत तो नहीं है ना, दिमाग में जा रहे कि नहीं जा रहे? मेहनत करना है सर लॉ में, लॉ के साथ, मतलब मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि समय देना है, जैसे क्लास में पढ़ रहे हो इसको घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस भी करो, आपको हर चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर मिलता है उसे भी प्रैक्टिस करो, कहीं से अगर आपको जैसे इंस्टीट्यूट के साइड में जाओ वहाँ पर आपको RTP MTP वगैरह मिलता है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले पढ़ लो फिर प्रैक्टिस करो, बिना पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन पहले जानो तो सही, नहीं तो अंधाधुन खेल के क्या फायदा, ना पता ना घर का पता ना रास्ते का पता, बस रास्ते में घूमे जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 के अंदर इसके बारे में बोला है, जैसे कि ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, देखो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है,
32 एकदम क्लियरली बोला है। अब क्या बोलता है, अब आपको पता है सर, अब आप देख लो एक बार, इसके अंदर भी बोला है कि इसका कैरेक्टर क्या है, किसको रेड हेरिंग बोलते हैं। ठीक है, नाम है सर, फाइनेंशियल वर्ल्ड ने नाम दिया है। डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउड इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव मेथड फॉर रेजिंग फंड्स सो एज टू अवेल द मोस्ट फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। मैं आपको पहले ही बोला कि ये जो है जो चैप्टर जो गरीबी मिटाने का चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर इसके साथ गरीबी का क्या कनेक्शन, मैं आपको क्या बोला, कंपनी अपना गरीबी मिटाते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब कोई कंपनी मार्केट से 2000 करोड़ का डिमांड करता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपना गरीबी मिटा रहा है, ये सुनो। अरे हाँ या ना, बात को मैं थोड़ा हाँ सर, टेढ़ा करके बोला बट बात तो सही है ना। अगर आप 2000 करोड़ का डिमांड करो मतलब कहीं ना कहीं आप 2000 करोड़ रुपए में गरीब सोच रहे थे तभी आप डिमांड कर रहे हो, है ना। अब वो अलग बात है कि आप बदले में जैसे लोन मांग रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपके पास 2000 करोड़ नहीं है तभी आप 2000 करोड़ मांग रहे हो। तो ये अगर मैं बोलूं कि ये जो चैप्टर्स है ये गरीबी मिटाने का चैप्टर्स है तो गलत तो नहीं बोलूंगा। हाँ गलत नहीं हूँ सर, अब सोच लो। तो ये सब चैप्टर गरीबी मिटाने का वाला चैप्टर है। अब कंपनी अपना पैसा जुगाड़ करेगा तो कंपनी उसको इन्वेस्ट करेगा, कंपनी इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर जॉब क्रिएट करेगा, तो जॉब क्रिएट करेगा तो पब्लिक का भी गरीबी मिटेगा, है ना। तो ये सब क्या है ना, इनोवेटिव मेथड्स है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ऐसे बोल दिया जैसे कोई पता नहीं कहाँ से कोई दूसरे दुनिया का चीज है, कोई दूसरा दुनिया का चीज नहीं है सर, सब इसी दुनिया का है ना। गलत फहमी में ना रहे कि दूसरे दुनिया का चीज है, यही का है। तो यहाँ पर बेसिकली एक मार्केट कंडीशंस को फेवरेबल बनाने के लिए देखो ना, ये कंपनी क्या सोचा, सेंको गोल्ड एकदम रेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कलर भी लाल रख दिया। ऐसा कोई बात नहीं है सर कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो हमें इसको डिजाइन भी लाल करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो बस अपना इच्छा है। अब ये देखो आपको यहाँ समझना ये है कि कंपनी को चाहिए पैसा, अब पैसा अवेल करने के लिए वो फेवरेबल मार्केट कंडीशन का सहारा लेते हैं। टाइमिंग द इशू एंड बुक बिल्डिंग ऑफ इशू, जैसे कि आप लोग जब भी किसी भी कंपनी का मार्केट से पैसा इशू करने का, जैसे इसको 400-500 करोड़ चाहिए, इसको 400 माने शेयर होल्डर है वो मार्केट छोड़ के जाना चाहता है, माने छोड़ के जाना चाहता है माने सेल करना चाहता है, बहुत दिनों से शेयर होल्ड करके रखा है ना, तो जब तक बेचेगा नहीं तब तक पैसा कहाँ से आएगा। शेयर ऐसे होल्ड करके रखा है तो एसेट तो ब्लॉक होकर रखा है। अब ये कुछ कुछ शेयर इसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो भी प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोलता है सर, यहाँ पर क्या बोलता है, प्राइस द टाइमिंग ऑफ इशू एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है ना, ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जो लोग शेयर मार्केट का मेरे पास फाउंडेशन क्लास भी करते हैं ना, उन्हें भी ये चीज बताया जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब किस तरह से एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में आते हैं। सिंपल बात, फैसिलिटेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वेयर बाय द प्राइस पर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। और ये पूरा खेल सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बोला है। अब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मतलब बोला है, मतलब और क्या है सर, देख तो लिया काम क्या है। एक्सप्रेशन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मीन्स ए प्रॉस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू प्रायर टू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ ए प्रॉस्पेक्टस। मतलब मेन प्रॉस्पेक्टस के पहले ही जो इशू होते हैं उसको रेड हेरिंग बोलते हैं। इसको रजिस्टर के पास फाइलिंग किया जाता है, कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस शैल फाइल इट विद द रजिस्टर एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। मतलब मेन ऑफर से पहले ये रजिस्टर के पास फाइल करेगा। ये मैं आपको पहले ही दिखाया, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं इसे यही सब चीज दिखा रहा था। सेबी के साइड में जाओ, पब्लिक इशू में जाओ, यहाँ पर जाके आप फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विथ आरओसी, कौन सा कंपनी का फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट निकल गया है उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ऐसे रिसेंटली अगर देखा जाए लास्ट जुलाई 5 में फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आया है, सीएंट डीएलएम लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का प्रोस्पेक्टस आया है, ये सब फाइनल हो गया, रजिस्टर के पास चला गया। उससे पहले मैनकाइंड फार्मा था, आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड था, ठीक है,
आपको मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा जो भी मार्केट में आ रहा है। सेबी के बिना तो आ ही नहीं सकता, और रजिस्टर के पास बिना जा ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता। तो फाइलिंग विद रजिस्टर माने आरओसी, ऑब्लिगेटिंग अंडर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑब्लिगेशंस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस आर एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस, माने एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में जो होते हैं रेड हेरिंग में वही चीज लिखा होता है। एंड वेरिएशंस बिटवीन द रेड हेरिंग एंड एंड नॉर्मल प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अगर कुछ भी वेरिएशंस रहेगा उसको हाईलाइट किया जाएगा कि भाई ये बात मेन प्रोस्पेक्टस में है, रेड हेरिंग में नहीं था, या फिर जो भी है। फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद रजिस्टर एंड सेबी अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर। अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग देयरिंग द टोटल कैपिटल रेज, कितना पैसा रेज करेगा, वेदर बाय वे ऑफ डेब्ट और शेयर कैपिटल, चाहे डेब्ट के थ्रू से हो चाहे शेयर कैपिटल के थ्रू से हो, एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज कि क्या दाम पे शेयर लिस्टेड होगा, एंड एनी अदर डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल विद द रजिस्टर। अगर वो बात रेड हेरिंग में नहीं है तो उसको सेबी को अलग से मेन प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आरएचपी, बेसिकली ये मेन प्रोस्पेक्टस से पहले वाला कॉन्सेप्ट है। और एक चीज होता है एब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये बेसिकली एब्रिज का मतलब होता है जो छोटा चीज होता है, माने समरी में होता है। द टर्म एब्रिज प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 अकॉर्डिंग टू इट एब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स, माने बेसिकली मेन चीजों के साथ जुड़ा हुआ कोई मेमोरेंडम, ठीक है, फीचर ऑफ ए प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस का फीचर्स होते हैं जो सेबी स्पेसिफाई करके देता है बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। इनफैक्ट एब्रिज प्रोस्पेक्टस इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। एक्चुअल प्रोस्पेक्टस का समराइज्ड फॉर्म जो होते हैं उसे एब्रिज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है सर, मैं आपको सारा जितना तरह का प्रोस्पेक्टस होता है दुनिया भर में मैं आपको सारा बता दिया, कंपनी कब क्या लाते हैं, कौन सा प्रोस्पेक्टस का क्या जरूरत पड़ता है। आप लोग कुछ मेहनत खुद भी कर सकते हो, अगर आपको पढ़ने का सिस्टम पता लग गया ना लॉ में, तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप घर पे भी ना अपना मेहनत बढ़ाओ। जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है उनको मैं बताऊंगा सर आप थोड़ा अपना इंग्लिश को थोड़ा डेवलप करो, जिनका अच्छा है वो अपना बेनिफिट ले ले, जिनका इंग्लिश वीक है लॉ में थोड़ा इंग्लिश का चाहिए सर पन चाहिए। इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग है ना तो फिर आपको लिखने में सुविधा होता है, और अगर आपका इंग्लिश में वीकनेस है तो फिर आप थोड़ा इंग्लिश को अपना वोकेबुलरी को डेवलप करो ना। बस न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर? इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इतना पढ़ लो सर। डेली सब्सक्रिप्शन एक बना लो अपने लोकल वेंडर से और अपने इंग्लिश को डेवलप करो। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बंदा बात सुनता है उसका जिंदगी बनता है, जो नहीं सुनता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। सही बात बोल रहा हूँ सर, ठीक है। अगर बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बनना है कंपनी सेक्रेटरी, बनना है कॉस्ट अकाउंटेंट, तो कुछ बात तो सर मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनता है ना वो कभी ना कभी अपने जिंदगी को बना ही लेता है, और वो जिंदगी में उसका फायदा भी देख लेता है। अब किसी किसी को लगता क्या है ना, अरे बोल रहे सर का काम है बोलना, ये तो बस बोलता रहता है, इनका काम ही है। अब वो क्या बताए सर, फिर बाद में जब क्या प्रॉब्लम क्या देखता हूँ ना सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एग्जाम में जब परफॉर्मेंस आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं उनको उनका जिसका जो भी प्रॉब्लम रहता है ना मैं बोलता हूँ, अगर किसी का प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है तो उनको कैसे करना चाहिए, किसी का थ्योरेटिकल मतलब लॉ रिलेटेड पेपर में प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए, मैं सोल्यूशन तो बताता हूँ बट सोल्यूशन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं और उसका असर पड़ जाता है सर रिजल्ट्स पे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। जैसे इस बार एक स्टूडेंट था सर, उसका सब कुछ अच्छा हुआ पर जिसमें डर था वही हुआ, बस इंग्लिश का चक्कर हुआ, लॉ का पेपर में ही उनको प्रॉब्लम हुआ, और उसको मैं बार बार बोलता था हर पेपर में 50+ स्कोर किया, बस लॉ का पेपर में उसको दिक्कत हुआ। और एक लड़का था उसका थोड़ा कॉस्टिंग में खराब हुआ, बाकी सब पेपर में पास कर गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, तो जिसका जो वीकनेस है उस पे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं चिल्ला देता हूँ कभी कभी, पर्सनली लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, बट बात को समझना सर। ओके सर, आगे सर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल ऑफ सेल ऑफर फॉर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डॉक्यूमेंट्स विच आर डीम्ड टू बी ए प्रोस्पेक्टस, कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जिसको डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है, कि जो चीजें मैंने जैसे कि कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस नहीं है बट उसको मान लिया जाएगा कि वो प्रोस्पेक्टस है,
मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डीम प्रॉस्पेक्टस के बारे में और डिटेल्स में बातचीत करूंगा। ऑफर सेल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पहले से कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है वो अपना शेयर बेच के निकलना चाहता है। जैसे सेमको गोल्ड में ऐसा हो रहा है कि सेमको गोल्ड ने जो भी मार्केट से शेयर इशू कर रहा है ना, इसमें फ्रेश इशू भी है और साथ में ना ऑफर फॉर सेल भी है। ये टोटल 405 करोड़ के लिए मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें 270 करोड़ इसका फ्रेश इशू है, ठीक है, लेकिन 135 करोड़ ऐसा है जो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल माने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर थोड़ा सा छोड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो जब स्टार्ट किया था तब काफी सस्ते दाम पे मार्केट के साथ आया था, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है ये, तो कहीं ना कहीं अभी 135 करोड़ में उन लोगों को करोड़ों का फायदा तो मिलेगा सर। और जो नया शेयर होल्डर बनेगा वो अभी से फायदा उठाने का सोचेगा, मिल जाता है सर, कंपनी का वैल्यूएशन है तभी सेबी परमिशंस भी दिया है, मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब बाकी चर्चा कर लूंगा। आप लोगों को घर पे एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ना जितना मैंने पढ़ाया इसके बाद जो बाकी पॉइंट्स है आप लोग थोड़ा कवर करना, माने खुद से रीड करना सारा का शुरू से लेके एंड तक, एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको करना ही चाहिए। ये जो पॉइंट है ना सर, ये वाला वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रॉस्पेक्टस, यहाँ तक आप पूरा रीड करके रखना, पॉइंट आउट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में आपको सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज उसके बारे में बात करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है उसके भी बात करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीटली कवर कर लेंगे इस चैप्टर को। ओके, आज इतना ही है सर। सनोन, नील, शालिनी, ऋषभ, समझ में आया ना सर? अच्छा ओके सर, ठीक है, चलो घर में पढ़ते रहो, अपने आप को बनाते रहो और एग्जाम के लिए रेडी होते रहो। चलो सर बाय, फिर मैं टेस्ट अरेंज करूँगा ना, अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।